नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में मई 2020 का लेके हाजिर हैं हम लोग, जो बहुत ही उपयोगी होगा। यूपीपीसीएस का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, और यूपी ट्रिपल SC, लेखपाल, BDO, अकाउंटेंट्स एंड अदर यूपी स्टेट एग्जामिनेशंस होंगे, जो उनमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए चल के देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स मई के। पहला नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रूट्स प्रोजेक्ट को लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रूट्स प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये है क्या हर्बल रूट्स प्रोजेक्ट? तो देखते हैं इसके मुख्य बिंदु में क्या है। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सड़क के दोनों ओर औषधि मूल्यों वाले पौधों का रोपण करेगी। इन औषधि पेड़ पौधों में नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल होंगे। यह पौधे औषधियों के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे और भूमि कटाव को रोकने में भी मदद करेंगे। इस परियोजना के लिए 800 किलोमीटर की सड़क को राष्ट्रीय और राजमार्ग के साथ चुना गया है। जो हाईवेज हैं राष्ट्रीय और राज्य की, उनके जो बगल बगल की सड़कें होती हैं दोनों ओर के, तो उसके किनारे किनारे नीम, पीपल और सहजन के पेड़ लगाए जाएंगे, जो राज्य में औषधि बनाने के काम आएंगे। उनका जो कच्चा माल होगा वो वहाँ से लिया जा सकेगा। अब इसका महत्व क्या है? यह परियोजना 18 जिलों में शुरू की गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितने जिलों में शुरू की गई है। तो कितने जिलों में शुरू की गई है? 18 जिलों में शुरू की गई है। इस तरह की पहल को दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 में पहले ही लागू किया जा चुका है। सबसे पहले कहाँ लागू किया जा चुका है? दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 पर इसे लागू किया जा चुका है। इसमें लगभग 34 किस्म के औषधि पेड़ लगाए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य घरों में बोनसाई और कैक्टस जैसी गैर देसी प्रजातियों के विकास को कम करना है। अब इसके लाभ क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। ब्रह्मी का पौधा स्मृति को तेज करता है। अश्वगंधा का उपयोग सामान्य कल्याण में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अश्वगंधा को हाल ही में COVID-19 से लड़ने के लिए अध्ययन में शामिल किया गया था। इसे हाइड्रोक्लोरोक्वीन के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी COVID-19 से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने अश्वगंधा को उसके अध्ययन के रूप में शामिल किया है, ये हाइड्रोक्लोरोक्वीन के विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की आयुष कवच एप्लीकेशन। देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन COVID-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह एप्लीकेशन कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कुछ उसमें औषधियों के बारे में लेख होंगे, जिनके अंदर जाने पे आपको उस औषधि के गुणों के बारे में जानकारी मिलेगा कि वो कितनी कारगर है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है।
अब देखते हैं इसके महत्व क्या हैं। यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है कि क्या क्या अपने डेली रूटीन में लेने से बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होगा। इस ऐप को उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया था। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने COVID-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपायों और आयुर्वेदिक प्रथाओं की शुरुआत की है। ऐसा ही एक सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथा कपसुरा कुदिनेर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथा कपसुरा कुदिनेर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है क्या, कपसुरा कुदिनेर है क्या, देखते हैं। कपसुरा कुडनेर को आमतौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे सर्दी और फ्लू के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध सिद्ध औषधि है। इसमें अदरक, लौंग, अजवाइन आदि सहित 15 तत्व होते हैं। उनके मिश्रण को ही कपसुरा कुदनेर कहा जाता है। अन्य सिफारिशें क्या हैं? आयुष द्वारा सुझाई गई अन्य पारंपरिक दवाओं में अगाथा रसायनम, कोसबंधा रसायनम, कंधा कसायम, दशमूल, कर्थुअम रसायन शिक्षा और व्याघ्राथी कश्यम शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, यूपी सरकार ने लॉन्च किया प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने में होगा मददगार। उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मई 2020 को प्रवासी राहत मित्र नाम का ऐप का लोकार्पण किया। योगी सरकार ने कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट रहे मजदूरों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप का मुख्य उद्देश्य अन्य प्रदेशों से लौट रहे, उत्तर प्रदेश आ रहे प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके, उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके, विशेषकर उनके कौशल के लायक उनको भविष्य में रोजगार प्रदान किया जा सके, नौकरी दी जा सके, उनकी आजीविका के लिए कुछ मदद की जा सके सरकार द्वारा। इसलिए इस ऐप को निर्मित किया गया है। इसके लिए ऐप के जरिए इन प्रवासी नागरिकों का डाटा संग्रहण होगा। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत मिलेगी। ये जो ऐप है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्व विभाग राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया? राजस्व विभाग राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। आगे देखते हैं। चौथा नंबर, यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत। श्रम कानूनों से छूट वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों को आगे आई समस्याओं के कारण श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान की है। इसे कैबिनेट ने 6 मई 2020 को अपनी मंजूरी दे दी। यह छूट अस्थाई होगी, मतलब कि स्टेबल नहीं होगी, परमानेंट नहीं होगी, कुछ समय के लिए रहेगी। स्थिति सही होने पे इसको वापस ले लिया जाएगा। कैबिनेट ने अस्थाई छूट के लिए अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी भी दे दी है। 3 साल के लिए अस्थाई छूट। अब इसमें प्रक्रियाएं क्या हैं ये समझते हैं। यूपी के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं श्रम मंत्री, ने बताया कि ऐसी सभी जगह पर उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में 3 साल के लिए अस्थाई छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है वह यथावत रहेंगे। इसमें बंधुआ श्रम तथा उत्पादन अधिनियम, भवन निर्माण अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम व बच्चों और महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम पूरे लागू रहेंगे। वेतन अधिनियम के अंतर्गत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेगी। उसके अलावा अन्य सुविधाएं उन्हें मिलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कितने टोटल श्रम कानून हैं? उत्तर प्रदेश में 38 श्रम कानून लागू हैं अभी।
किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून के अनुपालन के लिए उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगला देखते हैं, 5th नंबर, यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने से उस व्यक्ति की मौत होने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स पर थूकने वाले लोगों के लिए 2 से 5 साल तक जेल का भी प्रावधान किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोबिया यूट्यूब चैनल। ये था मई 2020 का करंट अफेयर जो आप लोगों ने देखा। ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियोज़ या स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए एग्जाम फोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।